जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नसीम अहमद। आप देख रहे हो डबल ए न्यूज़। आज हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर के ढाका चौक पर। इधर हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे, इधर सैकड़ों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंसाफ की गुहार कर रहे हैं घंटों से। इधर आप देख सकते हो बाइकों को लगा के रोड भी बंद किया हुआ है, काफ़ी लोग परेशान भी हो रहे हैं। आपको बता दें पूरा मामला ये था कि यहाँ एक निजी स्कूल में 3 साल की मासूम बच्ची स्कूल में पढ़ने आती थी। एक परिवार जब छुट्टी के बाद लड़की अपने घर बच्ची स्कूल से घर गई तो परिवार जब ड्रेस चेंज करने लगा तो उसमें पता चला कि बच्ची को ब्लीडिंग हो रही है। जब परिवार बच्ची को किसी हॉस्पिटल लेके गया, वहां डॉक्टर ने बताया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। परिवार ने स्कूल प्रशासन से गुहार लगाई, पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने उनको कुछ बताने से साफ मना कर दिया और एलिगेशन लगाया कि लड़की के साथ जो भी हरकतें हुई हैं वो उन्हीं के घर से हुई हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज जरूर कर लिया है, लेकिन परिवार का आरोप है कि निजी स्कूल में पढ़ने गई बच्ची के साथ स्कूल के अंदर ही किसी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पूरे मामले को यहाँ जब सुबह सभी अभिभावक आए, सभी अभिभावकों ने रोड को जाम किया और इधर पूरा रोड जाम करने के बाद घंटों से प्रोटेस्ट किया जा रहा है और अपनी मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। साथ ही उनका कहना यह है कि यदि बच्ची को इंसाफ मिलता है तो यहाँ से जाएंगे, नहीं तो यहाँ से जाने के लिए तैयार भी नहीं है। फिलहाल अभी तक किसी भी उच्च अधिकारी ने इनकी बात को माना नहीं है, लेकिन आपको बता दें न्यायाधीश के बनाए हुए नियमों का पालन डबल ए न्यूज़ बार बार करता है और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम परिवार के विजुअल या परिवार की बाइट आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन परिवार से डबल ए न्यूज़ के मिलने के बाद परिवार ने पूरी बात डबल ए न्यूज़ को बताई और उसी के माध्यम से हमने आप लोगों तक सूचना पहुँचाई। नसीम अहमद, डबल ए न्यूज़, दिल्ली।